कुछ लड़के ऐसे गंदगी में अपने आप को जवान कर लिए, उन्हें वो चीज खेलने वाली, उन्हें बेपर्दा घूमने वाली, उन्हें वो बैठा करने वाली, वो जिसकी जुमाइश करने वाली वही अच्छी लगती है, उसी किसी के रिश्ते से जगा रहे हैं, उन्हीं से शादियां हो रही है। अगर कोई लड़की बाहया हो, नमाजी हो, बासलीकी हो, कुरान पढ़ी हो, अपने घर में पर्दे में रहती हो, बाप की इज्जत को अपने सिर से रखती हो, खानदान की इज्जत को बचा के रखा हो। तो कहता है लड़की कैसी है कि लड़की बड़ी सीधी सादी है। सीधी सादी है कनीज़े फातिमा, इसकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे ना, खुदा की कसम अल्लाह के वली पैदा होंगे। तुझे पता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, दाढ़ी वाला पसंद नहीं है हमें। और कौन है जिसकी पैंट 36 जगह से फट रही हो, वही है हमें तो पसंद। सही बता रहा हूँ, दाढ़ी वाला नहीं पसंद है हमें। तो नहीं पसंद है अगर दाढ़ी वाला तो सुनो, फिर तुम्हें पसंद शराबी है, फिर जवानी है, फिर क्यों शिकायत करती हो बाद में फोन करके, हजरत जरा दुआ कर दो, दिन भर शराब पीता, रात में आकर डंडा बजाता। अब दाढ़ी वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर अब इसका डंडा बर्दाश्त करो, ये तो दिन में शराब पिएगा, रात को आके मारेगा। अरे भाई बात है कि नहीं है? अब शिकायत हो रही है, हजरत तुम ऐसा तावीज बना दो, ऐसा बना दो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा। जब तू किसी की नहीं मान के दे रही थी, अब ये किसी की नहीं मान के देगा। अब तवीज करा के घूम रही है कहीं मौलवी के पास, मौलवी ने मना कर दिया तो बाबाओं के पास चली गई, बाबाओं के पास जा रही है, बाबाओं के पास तवीज कराने के लिए। बाबाओं से जाके तवीज लिए जा रहे हैं। अरे तेरा नहीं इमाम कहां चले गए? सिपरी नंबालों से जाके तवीज लिए जा रहे हैं। अरे तेरा नहीं इमाम कहां चले गए? मेरी कौम की बेटियों कंफर्म तक आते चल जाता है। अगर आपकी चाहती हो जिंदगी सुधर जाए तो अपने आप को पर्दे में रखते वुजू करके नमाज करके दुआ कर ले, अल्लाह मेरी जिंदगी में बहार आए। समझे? गंदी घास दिखने में बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसकी जड़ में जाओगे ना तो वो गंदी होती है। हर जानवर नहीं खाता उसे, ना नस्ली घोड़ा कभी नहीं खाएगा, खच्चर और गधे खा लेंगे, वो खाते होते हैं। नस्ली घोड़ा कभी नहीं खाएगा, मेरा दावा है। यार क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा, बचपन में मैंने भैंसे चराई है, वो काम भी किया। बुरा काम नहीं है, नबी की सुन्नत है बकरियां चराना। अगर जिंदगी में मौका मिले तो कभी नबी की सुन्नत समझ कर बकरियां चलाना, 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नबी की सुन्नत समझ के समझ रहे, हम बचपन में हम चले जाते हैं साथ में। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए, अब जरा सुनिए लोगो, नस्ली बनो, असली बनो, है ना। डालडा घी दिखने में देसी से अच्छा लगता, मगर खाते ही गला बैठ जाता। हाँ, जाहिरी हुस्न पे ना जाओ। आज वो कट, वो फैशन चल रहे हैं, खुदा की कसम देखने के बाद में अंदर से दिल इतना शर्मिंदा हो जाता, इतना शर्मिंदा हो जाता। हाय, ये बिनते हवा किस हालत में जा रही है? हाय, ये किस हालत में जा रही है? इस नबी की उम्मत की शहजादी आज हो गया। तुम पूरी दुनिया के गवर्नर नहीं मगर अपने घर के गवर्नर, अपने घर की खवातीन पर कंट्रोल करना तुम्हारा काम है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सुनिए जरा, आगे बाद में बढ़ूंगा, बड़ी कीमती बात बताने चला हूं। अमीर होना अलग बात है, इज्जत अमीरी से नहीं मिलती। ना ना, औरत के पास सबसे कीमती चीज हीरे का हार नहीं, सोने का हार नहीं। ना ना, सबसे कीमती चीज औरत के पास उसकी इज्जत है। बोलो 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 बोलो, बात है क्या नहीं है? सबसे कीमती चीज क्या है? उसकी इज्जत। क्या है सबसे कीमती चीज? उसकी इज्जत। अच्छा एक बात और बताऊं, आपने बचपन में देखा होगा जादूगर आता था डुगडुगी बजा करके वो खेल दिखाने, हैं? वो बातें करता रहता था, हजार चीजें दिखाता था, मगर मेन चीज जो होती थी वो कपड़े में रखा रहता था, आखिर में दिखाऊंगा, आखिर में दिखाऊंगा, इसमें बहुत बड़ा ये है, वो है, ये है, वो है, है ना? क्यों? उसे पता है अगर ये दिखा दिया तो सब चले जाएंगे, फिर मेरे खेल की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, है ना?
और जब तक पर्दे में है उसके हुस्न की इज्जत है, जिस दिन हुस्न पर्दे से बाहर आया फिर कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। बहुत बड़ी बात, औरत नहीं वो जादूगर का खेल है, जो पर्दे से बाहर आई जादूगर का खेल खाता, समझ रहे हैं आप। और सुनो, पैसे वाली हो सकती है, मान सकता हूँ, कीमती जेवर कीमती कपड़ा पहन सकती है, लेकिन हर कीमती चीज इज्जत वाली हो जाए, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी गुर्बत में भी इज्जतें होती हैं। बताऊं आपको, एक मिठाई है बर्फी, कम से कम 300 रुपए किलो तो मिलती होगी, लाल कुओं में तो और मैगी मिलती होगी, 500 तक है, 1000 रुपए किलो तक है, काजू वाली है नहीं है, जलेबी ऐसी मिले 100-125 रुपए किलो। अब सुनो जरा, सुनो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बात तो एक है लेकिन दिमाग में बैठ जाएगी। बर्फी को हलवाई ने, दुकान वाले ने काउंटर के ऊपर रख दिया। कहाँ रख दिया? काउंटर के ऊपर रख दिया। उसके ऊपर न पर्दा है न कोई चीज ढका, रखा है, बड़ी ईमानदार है। इसकी दुकान में इससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। जलेबी भी नीचे रह गई, इमरती भी नीचे रह गई, बालूजाई भी नीचे रह गई, सबसे ऊपर बर्फी, मगर ऊपर रद्दी पे पर्दा, रास्ते का गुबार उड़ा इसी पे पड़ा। नाले की मक्खी आई, गंदे नाले की मक्खी किसी पे आके बैठे। बोलो है क्या, नहीं है, बैठी के नहीं बैठी है, उसी पे बैठी। इसकी खता क्या है? सिर्फ इतनी खता है कि इसने पर्दा नहीं किया। खता इतनी तो है, इसने पर्दा नहीं किया, है तो बड़ी अमीर, हलवाई की दुकान में सबसे ज्यादा अमीर तो यही है, लेकिन पर्दा नहीं किया। गुबार भी आया, मक्खी भी आया, कलुआ आया, दुकान पे जलेबी लेने खरीदा जलेबी, जब तक वो काउंटर में से निकालने लगा उसने भी छोटा सा पीस उठाया, टेस्ट कर लिया। मलुआ आया, उसने भी छोटा सा उठाया, टेस्ट कर लिया। बथुआ आया, नथुआ आया, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? आप जिस ठेले पे जाते हो, मूंगफली के ठेले पे जाओ, खरीदो की इकाद उठा के टेस्ट कर ही लेते हो। बोलो बोलो भाई, है क्या नहीं है? अच्छा, अगर काउंटर में अच्छी रखी होती अंदर, तो कौन कहता है जरा काउंटर खोलियो, वो बर्फी टेस्ट करता नहीं करता? खता क्या है तुम्हारी मिसेस बर्फी? जवाब मिलेगा पर्दा नहीं। कीमती हो बर्फी, मेरी कोई इज्जत नहीं। रुपए का पार्ले जी का बिस्किट टोन ली 5 रुपया, उसी हलवाई की दुकान में रखा। गर्द आया, गुबार आया, सिर्फ उसकी पैकिंग तक रुक गया, बिस्किट का कुछ ना बिगाड़ पाया। गंदे नाले की मक्खी उड़ी, उल्टे के बाद में कोशिश की पार्ले जी के बिस्किट से टेस्ट कर लूं, मगर पार्ले जी के बिस्किट से ऊपर जो चावल है बोलो फिर भी वो काली जरूर हो गई, मगर बिस्किट पर आंच नहीं आने दिया। बोलो है कि नहीं है, है? अच्छा, अब कलुआ आया, मलुआ आया, नथुआ आया, बथुआ आया, आके कहने लगा, देखिए 500 रुपए किलो है, ये 5 रुपए का है, आया आके कहने लगा 1 किलो जलेबी दे दो। ले भाई, अच्छा ये जो पार्ले जी का बिस्किट है, एक बिस्किट टेस्ट करना चाहता हूँ, तेरा दिमाग खराब है? क्यों? ये खुल के टेस्ट नहीं होता, इसको टेस्ट वही करता है जो इसकी कीमत अदा करता है। आज तक लाल कुआं वालों, तुम्हारे लिए लाल कुआं का दावा करता हो, किसी ने 5 रुपए का बिस्किट खोल कर टेस्ट नहीं कराया होगा। अरे उसने पर्दा क्या कर लिया, उसी की मिल्कियत बना जिसने उसका पैसा अदा किया, जो बच्चियां पर्दे में रहती है लोगों का हक होती है, जो उनको मेहर अदा करता है उन्हीं का हक होता है, जो उनका महर अदा, वो उन्हीं का हक है। और बेशक
जो शोहर अपनी बीवी का हक अदा कर दे तो वो बीवी उसी की होती है। महर बीवी का हक है और मुकम्मल बीवी शोहर का हक है। कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय मैं अर्ज कर रहा था